हेलो दोस्तों, ये वीडियो इंडक्शन रिपेयरिंग से संबंधित पार्ट 5 वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडक्शन का जो फंक्शन होता है वो कैसे काम करता है, यानी कि इसकी एक एक बटन के बारे में आपको समझाया जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको इसके सारे फंक्शन के बारे में बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंडक्शन के ऊपर इस प्रकार का एक बर्तन रख लिए हैं, ये स्टील का बर्तन है और इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल लिया है। यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको लगा लेना है आपको पावर सप्लाई में। तो पावर सप्लाई हम इस इंडक्शन कुकटॉप को देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा मेन लीड है इसको हम लगा लेते हैं इस सॉकेट में, और इस सॉकेट में लगाने के बाद जो हमारा इंडक्शन कुकटॉप होगा यहाँ से हम ऑन करते हैं इसको। देखिए, यहाँ से ऑन करने के बाद यहाँ पर सप्लाई आ चुकी है, यहाँ पर डॉटेड डॉटेड दिखा रहा है और यहाँ पर इसका पंखा चल के थोड़ा सा बंद हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से जो हमारा ऑन ऑफ बटन है इस ऑन ऑफ बटन को प्रेस करना है। जब तक आप ऑन ऑफ बटन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक इसका कोई भी फंक्शन कार्य नहीं करेगा। तो चलिए हम इस ऑन ऑफ बटन को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया ऑन, और यहाँ पर ऑन लिखने के बाद अब आपको मेनू बटन को प्रेस करना है। यहाँ पर देखिए, इसके जस्ट बगल में मेनू बटन है, इसको जैसे ही प्रेस करेंगे ये 1100 वाट पे सेट हो गया और यहाँ पर प्रेशर कुकर ये दिखा रहा है, यानी कि ये ऑटोमेटिकली बाई डिफॉल्ट इसी वाट पे सेलेक्ट हो जाता है और प्रेशर कुकर पे ये सेलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया है। अब इसके बाद अगर आप वाटेज को घटाना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउन वाली बटन को प्रेस करेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं डाउन वाली बटन को प्रेस जैसे ही जैसे करते हैं वैसे वैसे इसका वाट घटता जाता है। यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे। तो ये मिनिमम 100 वाट तक हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर प्लस वाली बटन को जैसे जैसे प्रेस करेंगे वैसे वैसे इसका देखिए वाटेज बढ़ रहा है, यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे हैं। तो ये मैक्सिमम 2000 वाट तक जा सकता है, इसके बाद ये नहीं जाएगा। तो फिर से हम इसको मिनिमम कर देते हैं, क्योंकि आप पानी देख सकते हैं कितना ज़्यादा खोल रहा है। तो इस तरह से आप इसका वाटेज सेट कर सकते हैं। और वाटेज सेट करने के बाद अब आपको अगले फंक्शन के बारे में समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेनू का जो फंक्शन है, इस मेनू के फंक्शन से हम आगे भी जा सकते हैं। इसमें जो भी लिखा गया है, प्रेशर कुकर, डीप फ्राई, उसके बाद सॉटे, उसके बाद करी लिखा गया है, इडली लिखा गया है, हीट मिल्क लिखा है, आपको जो भी करना है आप उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट कैसे करना है, बस मेनू बटन से। मेनू बटन को जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पर देखिए डिग्री सेंटीग्रेड दिखा दिया और यहाँ पर लिखा है डीप फ्राई। अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड को घटाना चाहते हैं तो माइनस वाले बटन को दबाएंगे तो ये देखिए इसका डिग्री सेंटीग्रेड घट रहा है। तो मिनिमम 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सेट हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम ये अभी तक 240 तक ये सेट हो सकता है, सबसे कम इसका सेट हो सकता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इस तरह से आप इतनी बटन के बारे में समझ गए। और मेनू बटन को फिर से हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसके आगे जा रहा है, सॉर्टे करना है तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ये टेम्परेचर और वाट ले लेगा। और अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो घटा भी सकते हैं। उसके बाद देखिए, फिर से दबाएंगे तो ये करी वाले फंक्शन पे चला गया, फिर से इसको दबाते हैं तो ये इडली वाले फंक्शन पे चला गया। इडली कितने टाइम में बनाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग, ये टाइमर भी दे दिया। मेनू वाले बटन के फिर से प्रेस करेंगे तो ये देखिए हीट मिल्क पे चला गया। तो ये हीट मिल्क पे जब चला जाता है तो ऑटोमेटिक तरीके से टेम्परेचर को ये ले लेता है जितना मिल्क को चाहिए होता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इतने जो चारों बटन हैं ये इन चारों बटनों का क्या काम होता है। अब इसके बाद आते हैं इस साइड में और आपको दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। देखिए, यहाँ पर लिखा है डोसा चपाती, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे वैसे डोसा चपाती, यानी कि जब हम रोटी बनाते हैं ना तो उस पर कितना टेम्परेचर चाहिए उसके लिए यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं डोसा चपाती पे। यहाँ पर देखिए पानी ख़त्म हो गया, थोड़ा सा पानी हम और डाल लेते हैं। अब इसके बाद इसके बगल में है विस्टल प्रीसेट, तो ये विस्टल प्रीसेट पे जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप कुकर इस पर इसके ऊपर रखे हुए हैं तो कुकर कितने सीटी में बंद हो जाना चाहिए उतनी सीटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विस्टल प्रीसेट का ये सिंबल होता है और ये ऑटोमेटिक तरीके से भी हो जाता है। और अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं फिर से तो ये हो सकता है, ऑन वाली बटन को प्रेस करना है, फिर से इसके बाद ऑन करना है, और इसके बाद जैसे ऑन करेंगे मेनू वाली बटन को प्रेस करेंगे, और मेनू वाले बटन को प्रेस करते हुए यहाँ पर देखिए प्रेशर कुकर दिखा दिया। अब प्रेशर कुकर कितनी सीटी में बंद होना चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं, अभी ये एक सीटी के लिए सेट है, इसको फिर से दबाएंगे दो सीटी के लिए हो गया, फिर से दबाएंगे तीन सीटी के लिए, और फिर से दबाएंगे चार सीटी के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटियाँ आप बढ़ा सकते हैं, जितने सीटी पे आप सेलेक्ट करेंगे उतनी सीटी अगर प्रेशर कुकर देगा तब जाके ये हमारा बंद होगा इंडक्शन कुकटॉप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 15 सीटी तक है,
तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो सीटी मारता है प्रेशर कुकर, उसको ये सेंस कर लेता है। तो इसके बगल में ये है कि कोई और प्रेशर कुकर ना रखा हो और उसकी सीटी इसमें काउंट ना हो, तो उसकी सीटी अगर काउंट हो जाएगी तो भी ये बंद कर देगा। तो इस तरह से आपको इसकी सेटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब फिर से हम मेनू बटन को प्रेस करते हैं। प्रीसेट बटन को प्रेस करना हो तो प्रीसेट बटन को तब आप प्रेस करेंगे जब आप शुरुआती समय में, यानी कि जब आपको इंडक्शन कुकटॉप को स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे प्रीसेट बटन को सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑन वाली बटन को हमने जैसे प्रेस किया, यहाँ पर ऑफ कर दिया, इसको ऑन करेंगे उसके बाद प्रीसेट वाली बटन को दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं क्लियर तरीके से, देखिए ये बढ़ रहा है टाइमिंग। तो जितना टाइमिंग पर आप सेट करेंगे उतना टाइमिंग तक ये हमारा इंडक्शन कुकटॉप चलेगा। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। अब ये मैक्सिमम कहां तक जाता है, देखिए ये मैक्सिमम आपका जाएगा 24 तक। यहां पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे ये मैक्सिमम आपका 24 तक जा सकता है। तो 24 तक के बाद से देखिए फिर से ये डॉटेड डॉटेड लिख दिया। अब इसके बाद अगली बटन है हमारी टाइमर की। तो टाइमर वाली बटन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए ऑन वाली बटन को प्रेस किया और उसके बाद हम कोई भी फंक्शन ऑन कर लेते हैं। देखिए 1100 हो गया। तो अब इसके बाद 1100 ये वाट दिखा रहा है, टाइमर वाली बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि आपको कितना मिनट तक जो हमारा इंडक्शन कुकटॉप है उसको चलाना है। तो टाइमर वाली बटन को प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए टाइमर वाली बटन को प्रेस करके यहाँ पर ये आपका बढ़ रहा है, देख सकते हैं इस तरह से ये बढ़ रहा है। तो कितने मिनट तक आपको चलाना है आप चला सकते हैं क्लियर तरीके से। तो इस तरह से हमने चारों फंक्शंस के बारे में आपको समझा दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, एक ज़रूरी बात यह भी है कि अगर आपका इंडक्शन कुकटॉप पर सारा काम हो चुका है, सारा काम हो जाने के बाद जब ये डॉटेड डॉटेड दिखाने लगता है उसके बाद यहां से आप डायरेक्ट इसको प्रेस मत करिए, नहीं तो इंडक्शन कुकटॉप आपका जल्दी ही खराब हो जाएगा। जब तक फैन चल रहा है तब तक इसको चलने दीजिए और जब फैन चल करके बंद हो जाए तब आप यहां से ऑफ करिए। तो इस तरह से आपको इंडक्शन कुकटॉप इस्तेमाल करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।